छल का कोहली का दर्द हर सुबह उठने के बाद उस हार की याद आना काफी दुखद था। भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की टी20 सीरीज के साथ ही अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर देगी। सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार को फ्लोरिडा में खेला जाएगा। कोहली ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीम अब उस सदमे से बाहर निकल चुकी है और अपने आप को दोबारा तैयार करने में लगी है। भारत को हाल ही में इंग्लैंड में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। कप्तान ने कहा, विश्व कप से बाहर होने के बाद के कुछ दिन हमारे लिए बेशक काफी मुश्किल थे। हर सुबह उठकर उसी चीज की याद आना दुखद था, लेकिन हम पेशेवर हैं, हमें आगे बढ़ना होता है। हमने जो विश्व कप में प्रदर्शन किया उससे हम कई हद तक संतुष्ट हैं। हमने अभ्यास किया और उसमें सभी अच्छी स्थिति में थे। हम आने वाले दिनों में जो जरूरी है उस पर ध्यान दे रहे हैं, अतीत पर नहीं। कोहली ने कहा, ज्यादा क्रिकेट खेलने का एक फायदा यही है कि आपके पास आगे के लिए सोचने के लिए कुछ न कुछ होता है। हमारी टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं, उनके लिए हर मैच बड़ा है। हमारे सामने आगे टी20 विश्व कप है, टेस्ट चैंपियनशिप है। हम दोबारा खड़े होने की तैयारी में हैं। आप अतीत को हमेशा अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। हम एक बार फिर मेहनत करेंगे, एक बार फिर तैयारी करेंगे और फिर विश्व खिताब के लिए दोबारा ताल ठोकेंगे। इस सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या नहीं हैं। पांड्या को चयन समिति ने आराम दिया है, जबकि धोनी ने सेना के साथ समय बिताने के कारण आराम मांगा था। कोहली को लगता है कि इन दोनों की गैर मौजूदगी में युवाओं के पास अपने आप को साबित करने का मौका है। कप्तान ने कहा, जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए यह बड़ा मौका है कि वे उन जरूरतों पर खरा उतर सकें जो एक टीम के तौर पर हमें उनसे हैं और अपनी जगह पक्की कर सकें। पांड्या और धोनी का न होना हमारे लिए आम स्थिति नहीं है, लेकिन यह युवाओं के लिए मौका है कि आगे आकर अच्छा करें। सीरीज के शुरुआती 2 मैच अमेरिका में आयोजित किए जा रहे हैं ताकि यहां क्रिकेट को बढ़ावा मिले। अमेरिका में क्रिकेट की प्रगति के बारे में कोहली ने कहा, हम जितना ज्यादा यहां आकर खेलेंगे उतना यहां के लोग क्रिकेट के बारे में जानेंगे। आप उस तरह पर है। विराट को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के स्थानीय लोगों में एशियाई समुदाय वेस्ट इंडीज समुदाय को छोड़कर क्रिकेट में रुझान बढ़ेगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि टी20 क्रिकेट को तो अमेरिका में समझा जाता है इसकी समय सीमा और रोमांच के कारण। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहां क्रिकेट को और बढ़ावा मिलेगा और हम यहां ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट देख सकेंगे।